हेलो एवरीवन, घर में केक बनाना तो सभी को आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है आप बिना दूध का भी इस केक को तैयार कर सकते हो। और ये केक भी उतना ही स्पॉन्जी और डिलीशियस होती है और बहुत झटपट भी बन जाती है, क्योंकि हम लोग इस केक को तैयार करेंगे पानी से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस केक को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, आधा कप पानी, आधा कप रिफाइंड ऑयल और 1 पैकेट इनो लिया है। आप इनो के जगह पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बॉल में आधा कप रिफाइंड ऑयल ले लेंगे और फिर उस ऑयल में हम लोग ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, यानी कि हमें चीनी को पहले ग्राइंड करना है एंड देन हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों को अच्छे से स्पून की मदद से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब दोनों चीज अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 कप मैदा, 1 कप मैदा। इस बैटर में कोई भी लम्स ना पड़े इसलिए हम लोग इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रहे जब भी आप बैटर को तैयार करो तो एक टाइम में सारा पानी मत इसमें ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी को ऐड करना और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना। और जब भी आप इसे मिक्स करो तो सेम डायरेक्शन में इसे मिक्स करना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आप देखो अगर आपका पानी कम पड़ रहा है तो आप इसमें पानी और भी डाल सकते हो, आधा कप से ज़्यादा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डाल देना वरना ये थिन हो जाएगी। और हमारी कंसिस्टेंसी सेम इस तरीके की होनी चाहिए और हम इसे 20 से 30 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कुकर लेंगे और इस कुकर का हम लोग रबर और ऊपर का सीटी निकाल देंगे। और फिर अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले कुकर में हल्का सा ऑयल लेना और चारों तरफ लगा देना और ऑयल लगाने के बाद आप मैदे को अच्छे से चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना और इसे हाथों के मदद से थोड़ा सा थपथपा कर एक्स्ट्रा मैदा को बाहर निकाल लेना। बैटर को 20 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए और अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 पैकेट इनो और उसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उसे भी हम लोग सेम डायरेक्शन में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल मत छोड़ना और इसे डायरेक्टली कुकर में पोर कर लेना एंड देन कुकर का हम लोग ढक्कन लगा देंगे बिना सीटी और रबड़ का। और हाँ गाइज, इसे गैस पे चढ़ाने से 10 मिनट पहले आप तवे पे बालू को गर्म कर लो। आप बालू की जगह पे नमक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नमक प्रिफेबल नहीं होगा क्योंकि इसका स्मेल आ जाता है केक में, तो आप बालू का ही यूज़ करिएगा। तो मैंने कुकर को गैस पे चढ़ाने से 10 मिनट पहले बालू को अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद हम इसे 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब 35 मिनट के बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा केक पका है या नहीं। इसके लिए हम लोग इसमें एक नाइफ को डालकर देखेंगे और नाइफ में ज़रा सा भी केक नहीं चिपका है, यानी कि अब हमारा केक अच्छे से पक गया है। तो इस टाइम हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम लोग केक को ठंडा होने के लिए कुकर में ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब सेट होने के बाद जैसा आप देख रहे हो केक ने किनारों को छोड़ दिया है, तो इस टाइम हम हाथों की मदद से कुकर को हल्का सा टेढ़ा करेंगे और केक को बाहर निकालेंगे और ये बहुत ईजली बाहर आ जाती है। तो देख सकते हो गाइस ये कितना अच्छा हमारा केक तैयार हुआ है और आप भी इसे घर पे बना सकते हो। जब भी आपके बच्चे परेशान करें या फिर आपके घर में दूध ना हो तो आप पानी से भी केक को तैयार कर सकते हो, तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। और गाइज, ये केक सच में बहुत ही स्पॉन्जी और डिलीशियस बनी है। जैसा टेस्ट दूध का केक का होता है सेम वही पानी का केक का भी होता है। तो आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।